नमस्कार साथियों, साई एक्सेलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एग्जाम को हल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अंत तक देखिएगा और आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में वो 2 घंटे बिताएंगे जो आपके जीवन को फर्श से अर्श पर ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो वही वीडियो में मैं लेकर आया हूं। जैसे कि आप देखते हैं कि आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा, इस एग्जाम में आपको टोटल बेटा 150 क्वेश्चन आएंगे। अब ये 150 क्वेश्चन जो आएंगे, इनमें आपको 37 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हिंदी के होंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप हिंदी हल करना, और वो चाहे हिंदी कहीं पर भी हो, चाहे वो प्रश्न नंबर 1 से प्रारंभ हो या प्रश्न नंबर 38 से प्रारंभ हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी हल करना है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हिंदी के लिए आपको देने हैं केवल कितने मिनट, 15 मिनट, और इस 15 मिनट में आपको हिंदी हल करनी है। अगर आपने इस रेशियो को फॉलो नहीं किया तो पेपर आपका छूट जाएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट है। इसके बाद आप दूसरे नंबर पर हल करना बेटा, आपको 38 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के। तो आप दूसरे नंबर पर जनरल नॉलेज हल करना, और इस जनरल नॉलेज को हल करने के लिए भी आप कुल कितना समय खर्च करना, 15 मिनट, और 15 मिनट में बड़ा आसानी से हो जाएंगे ये। और तीसरे नंबर पर बेटा आप हल करना, फिर आपके जो 37 क्वेश्चन होंगे वो 37 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। तो तीसरे नंबर पर आप हल करना रीजनिंग, और रीजनिंग के लिए टोटल जो आप मिनट देंगे बेटा वो 40 मिनट देना इस खंड के लिए। और चौथे नंबर पर फिर आपके 38 क्वेश्चन होंगे बेटा मैथमेटिक्स के। तो ध्यान रखना है कि मैथ को आपको सबसे अंत में हल करना है, और इस मैथ को आप कितना समय देंगे, 50 मिनट का समय देना होगा आपके लिए। तो ऐसे आप देखेंगे कि आपको टोटल 150 क्वेश्चन हैं, और आपको 15 15 30, और 40 70 मिनट, और 50 120 मिनट। इस 120 मिनट में आपको पूरा पेपर हल करना है, ठीक है। यदि आपने समय का ध्यान नहीं रखा, और यदि किसी क्वेश्चन पर आपने ज्यादा समय व्यतीत किया, तो आप समझ लीजिए कि मिनट आपको 120 ही मिलेंगे। और देखिए, जो पेपर होता है वो कठिन और सरल सभी प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण होता है। अगर आपको कठिन प्रश्न, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे हम तो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, एक से एक कठिन क्वेश्चन हम क्यों नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब मान लीजिए उन्होंने उस कठिन प्रश्न पर 10 मिनट बिता दिया, और इतनी में एक और कैंडिडेट है, उसने उस 10 मिनट में क्या किया कि ढूंढ ढूंढ करके सरल सरल 5 प्रश्न हल कर लिए, तो नंबर तो सबके बराबर है। तो बताइए, ऐसी स्थिति में किसको अधिक अंक प्राप्त होंगे, जिसने कठिन प्रश्न हल किया है उसको अधिक अंक प्राप्त होंगे, या फिर जिसने उतने ही समय में सरल ढूंढकर 5 प्रश्न हल कर दिए उसको अधिक अंक प्राप्त होंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कठिन प्रश्न हल किए हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ढूंढ ढूंढ कर अधिक संख्या में सही प्रश्न हल किए हैं। तो एक बात तो ये बताई, 3 बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो एक तो ये था आपका क्वेश्चन मैनेजमेंट, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन मैनेजमेंट का मतलब है कि इसी सीरीज में हल करना, सबसे पहले आप हिंदी हल करना, हिंदी के बाद दूसरे नंबर पर जनरल नॉलेज हल करना, तीसरे नंबर पर आप रीजनिंग हल करना, और चौथे नंबर पर आप मैथमेटिक्स हल करना। रीजनिंग के लिए आपको 40 मिनट देने हैं, मैथमेटिक्स को 50 मिनट देने हैं, जनरल नॉलेज को 15 मिनट देने हैं, और हिंदी को 15 मिनट देने हैं। तो इसी हिसाब से हल करेंगे। 2 बातें ही समझ में आ गई। तीसरी बात और बता रहा हूँ कि आपको जो OMR सीट है उसे साथ के साथ ही फिल करना है। आप ये सोचें कि यदि हम पहले पूरा पेपर हल कर लें और उसके बाद OMR फिल करें, तो आप समझ लेना समय आपको नहीं मिलेगा और ना ही आपके पास समय बचेगा। तो इससे अच्छा है कि आप साथ के साथ ही OMR सीट को फिल करना, और यदि फिर भी कोई समस्या है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे इस फोन नंबर पर जब चाहे तब हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, और जो भी हमसे मदद होगी हम आपकी मदद के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है ना। तो 9758771971 पर आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। ओके, आपको ऑल द बेस्ट, डू यू बेस्ट, और लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। हिम्मत से काम लीजिए, लक्ष्य आपके कदम चूमेगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ओके, जय हिंद।